प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की 2 दिन की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने वाराणसी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मंदिर एक तरह से आध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ हजारों साधक एक साथ विहिंगम योग की साधना कर सकते हैं। मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था इसकी दीवारों पर सर्ववेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए सर्ववेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कल नमो घाट पर दूसरे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच भावनात्मक और रचनात्मक संबंध है। काशी तमिल संगमम ऐसा मंच बन चुका है जिसने दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के विचार विमर्श करने का अवसर दिया है।